इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर दो बदमाशों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। फरियादी युवक ने थाने पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये कल दिनांक को निजाम नासिर ने थाने में आकर रिपोर्ट करी थी कि मिशाला रोड के रहने वाले आशिफ और मोहसिन ने उनके साथ में अड़ीबाजी कर मारपीट करी, शराब पीने के लिए पैसे लिए मांगे और पैसे नहीं देने पर साथ में दस्तर होकर मारपीट करी। इसमें अपराध ज्ञान करके पुलिस ने लिया। ये दोनों बदमाश कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रनगर के रहने वाले। गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपका नाम? देवेंद्र मिश्रा, थाना चंद्रनगर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक सवार रोड किनारे खड़े डंपर में जा टकराई। हादसा इतना तेज था कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान भूपेंद्र निवासी भागीरथपुरा के रूप में हुई है। क्या घटना है, क्या नाम है? भूपेंद्र करके एक लड़का है, 31 साल उम्र, भागीरथपुरा के रहने वाले हैं। और रात में करीब कोई शादी समारोह से आ रहे थे लौट के, एक खड़े डंपर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। खड़े डंपर में घुस गई गाड़ी, जिससे उनकी मौत हो गई। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये रिंजला फटे पर हुआ था। आपका नाम बताना? हेमंत शर्मा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बच्ची की गुमशुदगी का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कुछ ही घंटों में बच्ची को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने निकली थी, जो कि अपने घर नहीं पहुंची थी। उसके बाद परिजन थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, वहीं पुलिस ने बच्ची को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बच्ची को दस्तयाब किया गया है? कल 11:30 बजे बच्ची के पिता गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। बच्ची 12 वर्ष की थी। उनका कहना था कि वो अभी धार से यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं और द्वारकापुरी में रहने आए, तो बच्ची सामान लेने के लिए दुकान पे गई थी और उसके बाद से आई नहीं। रिपोर्ट लिख करके आसपास से फुटेज तलाश करे और बीट अधिकारी और विवेचना अधिकारी ने तलाश करी, तो बच्ची छोटी है और 12 वर्ष की थी और वो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर थी। तलाश करा तो हुआ कॉलोनी में ही, दूसरे एक जगह कोने में ठेले के नीचे बैठी पाई गई। बच्ची से जब पूछा तो उसने कहा कि वो रास्ता भूल गई थी और डर के मारे बैठ गई, क्योंकि उसका दिमाग कमज़ोर है तो वो किसी को यह नहीं बता पाई कि उसके पिता कौन है, कहाँ रहते हैं। और बच्ची सकुशल है और उसके माता पिता को सुपुर्द की गई है। कितने घंटों में पुलिस ने दस्तयाब किया? 11:30 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 6 बजे बच्ची दस्तयाब कर ली गई। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की वारदात सामने आई, जहाँ एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। उसी दौरान अज्ञात चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही है। चोरी की घटना सामने आई, वैभव निर्माणी उनकी बहन की शादी जो आस्था परिसर अहिल्या परिसर है वहां पर शादी थी और ये शादी में सारा परिवार गया हुआ था। जब वैभव सुबह अपने घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें से कुछ सोने के जेवर, चांदी के जेवर और गए हुए हैं और फिंगर टीम को बुला करके फिंगर लिए गए हैं। आसपास की फुटेज देखी जा रही है, अभी तक कोई फुटेज प्राप्त नहीं हुई है और मुखबिर जारी कर दिए गए। मैडम कितने का मशरू का? करीब 80,000 का मशरू का गया है। दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला जलिंदौर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहाँ एक महिला ने अपने पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पति और सास ससुर महिला से नगद राशि सहित कार की मांग कर रहे थे। ससुरालजनों की डिमांड पूरी नहीं करने पर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज किया है, कहाँ का मामला, कितने लाख का, किन किन लोगों के खिलाफ? कल दिनांक को एक पीड़िता आई थी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ससुराल पक्ष उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और उसको मानसिक रूप से भी परेशान किया है, तो जिसके संबंध में हमने कल दिनांक को कायमी की थी, जिसमें उसके ससुराल पक्ष के साथ उसका पति है, उसके सास ससुर हैं। तीन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है। ये लोग रहने वाले राजस्थान अजमेर के हैं। महिला अपने इंदौर की ही रहने वाली है। कितने की डिमांड थी उनकी? कुछ गोल्ड और 10 लाख रुपए और एक कार की डिमांड थी, ऐसा बताया। उसकी 2019 में शादी हुई थी। पति को ये ट्रैवलिंग का काम करते हैं ये लोग। पति द्वारा इसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि पति और उसके ससुराल पक्ष के द्वारा?
कितने लोगों के खिलाफ? तीन लोगों के खिलाफ है। उन लोगों को अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कल दिनांक को कायमी हुई थी, अभी आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर संजय श्रीवास्तव, मैं थाना जुनिंदौर में पदस्थ। चंदनगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायी के घर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। प्रॉपर्टी ब्रोकर फिरोज ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि पत्नी की डिलीवरी के बाद उसे ससुराल छोड़ने घर गया था। घर पर रोजाना साफ सफाई के लिए काम वाली पाई घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ था और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त था। घर में सोने चांदी के आभूषण और घरेलू सामान भी गायब थे। सर, चंदननगर थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना सामने आई है, किस प्रकार का पूरा मामला है? कल ग्रीन पार्क निवासी फिरोज पिता मुन्ना बासी ने एक थाने में अपनी रिपोर्ट करी थी कि वो घर के बाहर गया हुआ था, घर में कोई थाने ताला डाल कर कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर के उसके घर का ताला तोड़ करके घर में रखा घरेलू सामान चुरा कर। अब ये घरेलू सामान है, यूज किया हुआ सामान है, उसकी कीमत नशा नहीं है। जो LED TV है, प्रेस है और मिक्सर है, घड़िया है, इस टाइप के सामान घरेलू सामान। सोने चांदी की जेवरात है? दो जोड़ी पायल का जरूर उसने पायजेब का उसने जिक्र किया है, दो जोड़ी पायल रखी थी पुरानी यूज करने में। CCTV फुटेज में कुछ सामने आया? आज अभी वो डिस्टर्ब है, जांच चल रही है उसमें। आपका नाम? देवेंद्र मिश्रा।